पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारत ने डकवर्थ लुइस नियम की मदद से श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। टॉस भारत ने जीता और श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। श्रीलंका की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके विकेट लगातार गिरते रहे। हालांकि श्रीलंका ने पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी की और 8 विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए, लेकिन बारिश के कारण भारत को 231 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में खेलने उतरी भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद भारत के लगातार विकेट गिरते रहे। लेकिन आखिर में महेंद्र सिंह धोनी और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार खेल दिखाया और भारत ने 44.2 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीत लिया। भुवनेश्वर कुमार ने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 53 और महेंद्र सिंह धोनी ने 1 चौके की मदद से नाबाद 45 रन बनाए। भारत के 6 खिलाड़ियों को आउट करने वाले अकीला धनंजया मैन ऑफ द मैच बने। इस जीत के साथ ही भारत 5 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।